dropping the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। मैं हूं मलन। अगर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो यहां पर आपको हर रोज़ न्यू वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। आज की जो वीडियो रहने वाली है, बेसिकली वो पीसी जैसे स्मूथ एंड अच्छे से मोन्टाज स्लो मोशन के ऊपर होने वाली है। तो कि आपको मिलने वाला है मोबाइल में ही, और आपको कोई भी यहां पर स्मूथ एक्शन कैमरा यूज़ नहीं करना, क्योंकि मैं जानता हूं गाइस, क्योंकि लो एंड डिवाइस में ये अच्छे से वर्क नहीं करता। और हाँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग चीज़ भी है, कि भाई घंटों आपको वेट करना पड़ेगा एक छोटी सी क्लिप कर ले भी। तो गाइस, जो भी लोग अपने चैनल पर ज़्यादा ग्रो करने के लिए मोन्टाज डेली डालते रहते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़, जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है, वो यही है कि वो उसको स्लो मोशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो बाकी का काम नहीं कर सकते। तो आपको बेसिकली एक ही चीज़ करनी है, यहाँ पर आपको एक पावर डायरेक्टर इंस्टॉल कर लेना है। और पावर डायरेक्टर क्या इंस्टॉल करना है, मतलब कौन सा वर्जन, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। मुझे नए वर्जन की कोई इसका मतलब पता नहीं है, लेकिन हाँ, जो मेरे में सबसे ज़्यादा एकदम स्मूथली रन कराना, वो मैं आपको बता दूंगा। आप अपने हिसाब से भी ट्राई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। और इसमें सबसे ज्यादा जो मैटर करती है, वो चीज है गाइस, इसकी सेटिंग्स। वो सारी सेटिंग्स यहां पर मैं बताने वाला हूं, और उसको आप अगर अप्लाई करते हैं, तो आपको भी जो आपने प्रीव्यू देखा, उसी तरह का एकदम स्मूथ एंड सबसे ज्यादा फास्ट, मतलब मैंने 2 या 3 मिनट में इसको एक्सपोर्ट कर लिया, तो इससे ज्यादा क्या फास्ट होगा गाइस। तो गाइस, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए छोटी छोटी यहां पर और भी अच्छे लो एंड डिवाइस के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज, आपको एक इंस्टॉल कर लेना है एप्लीकेशन, और आप देख लीजिए यहाँ पर मेरा वर्जन कौन सा है। अगर आपके पास वही वर्जन का पावर डायरेक्टर है, तो आपको कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं लिंक वाले जो भी पावर डायरेक्टर की, क्योंकि एक बार ये देख लो। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ पावर डायरेक्टर को, यहाँ पर अबाउट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं 690, वही मेरा 6.9.0 यहाँ पर वर्जन है। और अब आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है, और 16:9 वाला रेशियो ले लेना है। और यहाँ पर भी हम सेम चीज़ें करेंगे, लाइक मैं 10 सेकंड की क्लिप यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग की 10 सेकंड आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर 10 सेकंड का करके दिखाता हूँ। आपको पता ही होगा कि जो स्मूथ एक्शन कैमरा है, वहाँ पर 1-2 सेकंड का अगर आप करते हैं, तो ही ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लेता, वरना बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो फिलहाल यहाँ पर 10 सेकंड ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 10 सेकंड हमारे हो चुके हैं, और इसको मैं 10 सेकंड पे यहाँ पर, अरे भाई क्या हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर 10 सेकंड पे हमने यहाँ पर एक मार्क लगा देता हूँ, यहाँ पर स्प्लिट कर देता हूँ, और बाकी का हिस्सा मैं यहाँ से काट देता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, एक चीज़ नोटिस करना, अगर इसको म्यूट कर दोगे तो ज़्यादा आपको बाद में क्रिंजी आवाज़ नहीं मिलेगी देखने में, ठीक है। तो इसको म्यूट ऑडियो कर दो स्पीड में जाके, और इरेज इन एंड इरेज आउट भी कर ही दो, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है, ताकि आपको स्टार्टिंग में एंड में भी अच्छा खासा एक स्मूथ एनिमेशन देखने को मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर बार पर जाकर आप इसको सबसे नीचे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। 1080p 60fps वाला अगर आपका रिकॉर्डिंग रहता है, तो आप इसको भी नीचे तक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि भाई इसमें आपको रिजल्ट कैसा मिलने वाला है, अगर आप सबसे एंड वाले मतलब सबसे स्लो वाले मोड को यूज़ करते हो, तो आपको कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं एक बार करके दिखा देता हूँ जल्दी से, यहाँ पर एक्सपोर्ट। हाँ, और एक्सपोर्ट की सेटिंग भी आपको ध्यान रखनी है, जो मैं बता रहा हूँ वही आपको करनी है, ताकि आपको एक्सपोर्ट ही बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी मिल जाए, तो आपको मतलब जल्दी नहीं मतलब एकदम स्मूथ और अच्छा क्वालिटी वाला मिले। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, फुल HD में जाना है, उसके बाद सेटिंग में जाना है, फिर यहाँ पर FPS आपको 60fps रख देना है, ताकि आप बाद में इसको एडिट कर सकें, एंड बेटर क्वालिटी यहाँ पर कर देना है बिटरेट को, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने मोर देन यहाँ पर 2-3 मिनट लगे हैं, और ये 10 सेकंड की क्लिप बड़ी ही आसानी से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में यहाँ पर मुझे देखने को मिल गई। तो मैं इसका प्रीव्यू छोटा सा एक यहाँ पर और भी दिखा देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्लो है, ठीक है। लेकिन मैं इसको यहाँ पर ज़्यादा रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा, आप देखिए यहाँ पर कोई भी फ्रेम ड्रॉप कहीं पर देखने नहीं मिलता, ठीक है, कहीं पर भी फ्रेम ड्रॉप यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, लेकिन मैं इसको स्मूथ नहीं कह सकता इतना ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ पर एक और सेटिंग बोलने वाला हूँ। अगर ऐसा मतलब आप चाहते हैं, तो इसको जब भी आप स्नाइपर शॉट में यहाँ पर जब भी स्कोप ओपन करें ना, तब इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप जहीं पर मतलब जा रहे हैं आ रहे हैं वो वाली सारी क्लिपें, तो उसमें स्लो मोशन में मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर सकता। तो जो मैंने यहाँ पर प्रीव्यू में यूज़ करी है, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है वापस, और वापस जाने के बाद आपको स्पीड में जाना है,
और स्पीड में जाने के बाद आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, इसको हमने 0.25x रखना है गाइस, ठीक है 0.25x, और इसको आप रख देंगे तो आपको वो वाली स्मूथनेस मिलेंगी जो मैंने प्रीव्यू में दिखाई, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइट मोशन सॉरी पावर डायरेक्टरी मैंने यहाँ पर यूज़ करा था, तो इसको यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमने जो सेटिंग करी थी वो यहाँ पर सेव हो जाती है, और ये 2 से 3 मिनट में यहाँ पर ये वाली क्लिप भी एक्सपोर्ट हो गई। तो इसको भी मैं यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ, बाद में आपको एक और चीज़ दिखानी है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं यही चीज़ रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट सेटिंग बताई और जो मैंने स्पीड की सेटिंग बताई यही यूज़ करो गाइस, तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ वाला एक्सपीरियंस मिलने वाला है गाइस। अब यहाँ पर एक चीज़ बात कर लेते हैं गाइस कि यहाँ पर इतना टाइम का जो कंपेरिजन कर लेते हैं एक बारी, जो कि है ही नहीं कंपेरिजन, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने जब ये स्मूथ एक्शन कैमरा में 10 सेकंड वाली क्लिप यूज़ करनी चाहिए तो यहाँ पर 1 घंटा बता रहा था टाइम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर मेरे तकरीबन 2 या 3 मिनट हो चुके होते, और यहाँ पर परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 हुए थे गैस। तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं स्पीड का गैस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, ताकि लाइक करोगे तो यार गैस ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुँचेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा लो एंड डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उसको भी अच्छा एक एक्सपीरियंस मिले। तो गाइस सब लोगों को ये वीडियो मिले, इसलिए प्लीज़ और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, नहीं आया तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। यहाँ पर फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा मोंटाज एडिटिंग रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय, और हाँ और भी वीडियो चेकआउट कर लेना। सो बाय।